लेकिन उसको और व्यापक रूप से कैसे लाया जाए। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों की प्रेजेंस, उसको हम बायोमेट्रिक सिस्टम से अगर जोड़ देते हैं तो फिर 40 बच्चे हैं और कोई 80 लिखवा करके सारे सहायता ले रहा है, वो करप्शन अपने आप चला जाएगा। ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक करप्शन की सारी बातें करा था। रेलवे के अंदर, रेलवे के अंदर सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था होगी तो रेलवे के भीतर चलने वाली गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं, और जैसे एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट हो, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और करप्ट लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था हो, मुझे विश्वास है हम स्थितियों को बदल सकते हैं। हमारे देश में हम चाहें या न चाहें, हमारे इन सदनों की गरिमा पर चोट लगी हुई है। एक व्यापक चर्चा है कि संसद में वो लोग जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, 5 हो 7 हो 10 हो, लेकिन एक छवि बनी है। ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस कलंक से हमारे दोनों सदनों को मुक्त करें, और कलंक से मुक्त करने का एक अच्छा उपाय है, हम सब मिलकर के तय करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए, जो निर्दोष हैं वो बेदाग होकर के दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। क्यों? और राजनीतिक कारणों से इतने गुनाह रजिस्टर होते हैं, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और देश को और दुनिया को हम बताएं कि भाई कम से कम 2015 के अंदर हम एक ऐसे हिंदुस्तान में सदन देखेंगे, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई दाग लगा होगा। दुनिया के अंदर हम एक शुरुआत कर सकते, अगर एक बार हम लोकसभा को इस प्रकार से क्लीन कर दें तो फिर राजनीतिक दलों को भी टिकटें देते समय 50 बार सोचना पड़ेगा अगर हम 1 साल के भीतर भीतर सफाई कर देते हैं। सीटें खाली होने लगेगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह क्रम बाद में असेंबली में ले जाया जाए, धीरे धीरे कॉरपोरेशन में ले जाए, और एक बार माहौल बन जाएगा और सर्वसम्मति से बनेगा तो हम राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करने का यह सही तरीका है, और इसलिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में उस बात का भी उल्लेख किया है। मैं आशा करता हम सब, और मैं नहीं मानता हूं इसमें कोई ऐसा होगा जिस पर एफआईआर होगी वो भी कहेगा साहब ये लटकती दरबार 15 साल से लटक रही है, हर बार मुझे नामांकन करते समय लिखना पड़ता है, हर बार एनजीओ के द्वारा अखबार में छपता है कि इसके ऊपर 30 गुना है, इसके ऊपर 25 गुना है। हर कोई मुक्ति चाहता है। न्याय की प्रक्रिया को उस प्रकार से हम संचालित करें, और मुझे, मैं मानता हूं कि सभी सदस्य लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, ये सब मिलकर के इस बात के लिए सहयोग करेंगे और हम उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर के जो गुनहगार हैं उनके लिए जेल हो, जो बेगुनाह हो वो बेदाग दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, उसकी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। और ये 2 सदन में वो सामर्थ्य है कि उस काम को कर सकते हैं। ऐसे अनेक विषय हैं, अपन यहां से शुरुआत करें और उसके बाद बाकी हो जाएगा। लेकिन आपकी भावना का मैं आदर करता हूं कि कोई बचना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, बेगुनाहों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। और इसमें, और इसीलिए तो अभी जो ब्लैक मनी के लिए 2 साल से एसआईटी बनाना लटक रहा था, हमने आते ही उस काम को कर दिया, उस काम को कर दिया, क्योंकि हम मानते हमारी ये प्राथमिकता है। हम में से कोई नहीं जानता कि वो ब्लैक मनी वाले कौन है, लेकिन देश की जनता के सामने सत्य आना जरूरी है कि ब्लैक मनी है या नहीं है, है तो किसके हैं, किसके हैं तो कितने हैं, कैसे आए हैं, कहां गए, देश को पता तो चले। और अगर नहीं है तो देश में से एक प्रकार का धुआं हट जाएगा, देश एक शांति का आनंद लेगा। और इसलिए ऐसे कामों में कोताही बरते बिना हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश के सामान्य व्यक्ति का संसद के प्रति उसकी श्रद्धा बनेगी, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा बनेगी, और सरकारी व्यवस्था में वो भरोसा करना लगेगा। आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है, उसका भरोसा टूट गया।
और भरोसा इस हद तक टूटा है, यहां बैठे हुए लोग भी कभी मोबाइल फोन से किसी को एसएमएस करते होंगे और बाद में फोन करते होंगे, मेरा एसएमएस मिला, क्यों? भरोसा टूट गया, भरोसा टूट गया। वरना भरोसा होना चाहिए कि मेरे मोबाइल से मैंने एसएमएस भेजा है तो गया ही होगा, लेकिन फोन करके पूछता है अरे मैंने एसएमएस किया था मिला क्या? ये जो भरोसा टूट गया है उसको पुनः प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पताल में गया तो उसको विश्वास होना चाहिए उसकी बीमारी ठीक होगी। बच्चा सरकारी स्कूल में गया तो माँ बाप को भरोसा होना चाहिए उसकी पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये भरोसा होना चाहिए। और इस भरोसा पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन हम मिल बैठ करके उस काम को करें तो कर सकते हैं। आप सबने जो सुझाव दिए हैं सभी सुझाव हमारे सम्माननीय हैं, और मैं कहता हूं और बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं, भले ही हम विजयी होकर के आए हो, भले ही देश की जनता ने कई वर्षों के बाद हमारा इतना बड़ा समर्थन किया, लेकिन अगर आपका समर्थन नहीं तो वो समर्थन अधूरा है, और इसलिए हम आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो आपके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जिनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबिंग करने की आवश्यकता थी, और नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पसंद किया था और उनके डेलीगेशन के रूप में भेजा था और उस काम को किया था। तो सारी जो अच्छी बातें हैं उन बातों को हमने आगे बढ़ाना है, और इसलिए हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, दल से बड़ा देश होता है, इस मंत्र को लेकर के चलना है और इस पवित्र सदन में उस मंत्र को उजागर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपका सहयोग रहेगा तो समस्याओं का समाधान करने की सुविधा और ज्यादा तेज होगी। राजनीति करने के लिए आखिरी वर्ष काफी होता है, अभी तो 4 साल सिर्फ राष्ट्रहित के लिए सोचे, राष्ट्रनीति के लिए सोचे, और जय और पराजय में कड़वाहट आई है उसको बाहर रख करके आए, आती है कड़वाहट, इतनी कड़वाहट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये तो वरिष्ठ गृह है, वरिष्ठ गृह का माहौल एक उमंग और उत्साह का होना चाहिए, उसको बरकरार करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है हम देश के सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ विजयी लोग नहीं चुने हुए सब लोगों का दायित्व होता है, उस दायित्व को पूरा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। फिर एक बार सदन के सामने अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका आभारी हूं, और मैं पूरे सदन को प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है वो प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए देश को हम नई दिशा दें, नई ताकत दें। बहुत बहुत धन्यवाद।